नमस्कार दोस्तों, मंथली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। देखते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च करेंसी पेयर्स, डॉलर इंडेक्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कैसे बिहेव किया और यहाँ से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया है वो है 102.59। दैट बीइंग द केस, मंथली पे कैसे स्ट्रक्चर हुआ है? फरवरी मंथ में एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ था एट द प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया पे। उसके बाद मार्च महीने में एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ है। जो कैंडल ये कह रहा है कि जो गेन्स इन द मंथ ऑफ फरवरी में हुआ वो निगेट हो चुका है, लेकिन 100% निगेट हुआ नहीं है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट देखने वाला चीज है वो है मंथली टाइम फ्रेम पे रेंज शिफ्ट, RSI रेंज शिफ्ट। व्हाट इट मींस, इट शोज दैट आई एम नो मोर गोइंग टू बी बियरिश, नो मोर गोइंग टू बी बुलिश ऑन डॉलर इंडेक्स। दैट मीन द केस एनी ऑप्टिक वहीं से सॉफ्ट होना चालू कर देगा, दैट इज डॉलर इंडेक्स इज ट्राइंग टू सेल। और फरवरी मंथ का जो लो बिकम्स वेरी क्रूशियल। व्हाट इट मींस, जो लो फरवरी मंथ में बनाया है दैट इज 100.82, जैसे ही वीकली क्लोज 100.82 के नीचे दे देगा एक हफ्ते का एंड सब्सिक्वेंट वीक में दैट कैंडल का लो ब्रेक डाउन करेगा, देन डॉलर इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू वीकन फर्दर। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। वीकली में जो हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे वहां पे आपका RSI जो है वो 40 में सब खड़ा है, सपोर्ट लेगा या उसके नीचे 40 के नीचे ब्रेक डाउन करेगा, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। डेली पे जो डॉलर इंडेक्स है वो है अभी outside inside formations. What it means by outside inside formations? जैसे आपका 8 मार्च onwards डॉलर इंडेक्स में एक softness आया, वो आपका 23 मार्च को लो बनाया। कहां तक बनाया? ये बनाया आपका 101.91। ये जब लो बनाया प्राइस वॉज आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड, उसके बाद पुल बैक किया ऊपर की तरफ, फिर डाउन मूव आया, डाउन मूव किया एंड जो डाउन मूव के बाद जो बाउंस किया दैट इज इनसाइड द बॉलिंजर बैंड। सो इट बिकम्स ए वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस। व्हाट इट मींस, वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस में यहाँ पे एट द मोमेंट इतना ज्यादा मोमेंटम या वॉलिटिलिटी मिसिंग है एंड ऑल्सो W पैटर्न के हिसाब से देर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा अपटिक जा सकता है। जाएगा भी तो कहाँ तक जाएगा? 103.50 के तरफ एक मूव या प्रयास कर सकता है। अभी डॉलर रुपी का मंथली चार्ट देखते हैं। डॉलर रुपी का जो मंथली चार्ट था, अक्टूबर में एक बिग बुलिश कैंडल फॉलोड बाय नवंबर में बिग बियरिश कैंडल, देन दिसंबर बिग बुलिश कैंडल, जनवरी बिग बियरिश कैंडल, फरवरी इज अगेन मॉडरेटली बिगर बुलिश कैंडल। उसके हिसाब से मार्च का जो कैंडल का साइज या रेंज बना है उतना बड़ा बना नहीं है। व्हाट इट मींस, प्राइस धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। व्हाट इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एक जोन बन रहा है जो ऑन द अपर साइड 83.20 और 83.30 ऑन द हायर साइड और नीचे के तरफ 81.20, इस रेंज के बाहर जाने का प्रयास कर रहा है। अभी ये ऊपर के तरफ जाएगा या नीचे के तरफ ब्रेक डाउन करेगा, इसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम दैट इज वीकली एंड डेली में थोड़ा कुछ क्रिटिकल जो एस्पेक्ट्स है प्राइस एक्शन रिलेटेड उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मंथली RSI इज अबव 60। दैट बीइंग द केस, प्राइस एक्शन बहुत सुपर बुलिश में है एज फार एज द मंथली टर्म्स इज कंसर्न। अभी आते हैं वीकली पे। वीकली पे क्या बनाया? एक रेंज बनाया, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड
कि आपका ऑन द हायर साइड 83-20-30 ऑन द हायर साइड एंड लोअर पे 80 आपका 81-81.20। यहाँ पे काफी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। आरएसआई टर्म्स में ग्रेजुअली इट इज मेकिंग लोअर हाई व्हाट इट इंडिकेट्स एंड देयर आफ्टर इट टुक रेजिस्टेंस एट 60। दैट बीइंग द केस डॉलर रुपी को अगर ऊपर के तरफ मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करना है तो आरएसआई वीकली आरएसआई को अबव 60 जाना पड़ेगा। क्या ये होगा ये हमें देखना है। अगर मंथली पे ये नीचे का जो जोन है उसको ब्रेक डाउन करना है तो आरएसआई वीकली को बिलो 40 जाना पड़ेगा। सो हमें वीकली टाइम फ्रेम में देखना है कि आरएसआई कैसे बिल्डअप कर रहा है। क्या ये 60 के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है एंड क्लोज दे रहा है एंड ऊपर जाना जा रहा है या बिलो 40 जाने का प्रयास कर रहा है। आने वाले दिनों में हमें इसके ऊपर नजर रहेगा। और आपका जो डेली पे है, डेली पे ये आपका साइडवाइज कंसोलिडेशन बरकरार है वही रेंज। सो यहाँ पे जब तक आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बरकरार है तब तक आपका 82-90-83 लेवल्स में आप शॉर्ट कर सकते हो टू बुक द प्रॉफिट अराउंड 82-30-82-40। अगेन 81-81-15 के आसपास अगर प्राइस मिलता है तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं फॉर अगेन 82-60-82-70 टाइप्स। बोथ केसेस में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉसेस डॉलर पे अगर आप सेल करते हो तो 83-20-30 में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखना पड़ेगा और नीचे बाई करते हो तो आपका 82-82-15 के आसपास अगर बाई करते हो तो आपको 81-70-75 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखना पड़ेगा। अभी जीबीपी डॉलर में थोड़ा नजर डाल लेते हैं। मंथली जो प्राइस एक्शन है वो क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है एनगल्फिंग द फरवरी मंथ नेगेटिव कैंडल। That being the case, February month में जो भी means softness currency पे देखा गया है उसको मार्च में regain कर चुका है by way of bullish engulfing। अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ पे एक resistance बनाया हुआ है 1.2450। इसके ऊपर अगर weekly close दे देता है तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बन सकता है वो है 1.32-1.3250। मंथली आरएसआई इज ट्राइंग टू टेक रेंज शिफ्ट, दैट मींस द सपोर्ट एट 40 आफ्टर मेकिंग ए लो ऑफ 25। वीकली पे अगर हम देखेंगे प्राइस इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो आपका 1.2450 पे। बार बार दो बार रेजिस्टेंस ले चुका है। RSI is also facing resistance at 60. इसको अगर ऊपर जाना है on a weekly time frame, then weekly RSI has to move above 60. Else, sideways consolidation in between 1.1800 and 1.2450 के बीच में ही थोड़ा टाइम पास कर सकता है। यहाँ पे अगर डेली में देखेंगे तो क्या हुआ, ये जो 1.2450 के आसपास आके एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। इट्स नॉट ए इन्वर्टेड पिन बार, बिकॉज इन्वर्टेड पिन बार के लिए आपका जो हायर अपर वीक है दैट शुड बी ट्वाइस और मोर देन द लेंथ ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स द बॉडी कैंडल का डबल होना चाहिए जो हुआ नहीं है, बट इट्स ए नेगेटिव कैंडल। दैट बीइंग द केस देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ऑन ए डेली टाइम फ्रेम जीबीपी डॉलर में मूव टूवर्ड्स 1.2150 के तरफ। वहां पे जाने के बाद हमें देखना है कि क्या ये सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड ऑन डेली टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट लेता है या नहीं। अभी आते हैं आपका जीबीपी आईएनआर पे। मंथली पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है लेकिन दो चीज ऑन मंथली टाइम फ्रेम पे है। पहला वाला प्राइस एक्शन वाइज इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन एट 103.75 से 105.25 तक। यहाँ पे एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है
और आरएसआई टाइम्स में भी नाउ एट 57, सो 60 के आसपास थोड़ा प्राइस हेजिटेट कर सकता है। और वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस जो एक रेंज बनाया हुआ है ऑन द हायर साइड 102.60 एंड ऑन द लोअर साइड 96.60, इस बीच में एक रेंज बनाया हुआ है। अगर इसको ऊपर जाना है तो इस रेंज के बाहर निकलना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया, कैंडल बनाया हुआ है रेजिस्टेंस जोन पे। दैट बीइंग द केस, डेली टाइम फ्रेम पे हमें सेल ऑप्टिक्स का अपॉर्चुनिटी देखना है टिल द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, दैट इज एट 100.30-100.40 के तरफ। यूरो डॉलर मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, लेकिन फेब्रुवरी के कैंडल को पूरा एनगल्फ कर नहीं पाया। ऑल्सो आरएसआई टर्म्स में ये रेंज शिफ्ट दिखा रहा है। दैट बीइंग द केस, आने वाले महीनों में यूरो डॉलर देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की इट मे मूव टुवर्ड्स 1.16। अभी उसको इस रेंज के तरफ जाने के लिए पहले वीक के फेब्रुवरी मंथ का जो हाई है दैट इज 1.1033 उसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज देना पड़ेगा। देयर आफ्टर नेक्स्ट वीक में, सब्सिक्वेंट वीक में प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर फॉलो थ्रू देना पड़ेगा। इन दिस टू कंडीशंस अगर फुलफिल होता है देन यूरो डॉलर इन कमिंग मंथ्स मे मूव टुवर्ड्स 1.1630। वीकली पे अगर हम देखेंगे ये जस्ट 60 के ऊपर गया है, करेंटली ये 62.84। ऑल्सो द इमीडिएट रेजिस्टेंस इज एट 1.1030। क्या ये इमीडिएट जो रेजिस्टेंस, ये जो रेड कलर का लाइन है, इसके ऊपर कंटिन्यू कर पाता है, ये हमें देखना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में एक साइडवेज नीचे की तरफ 1.0550 एंड ऊपर की तरफ 1.1050, यानी 500 पिप्स का एक रेंज है। प्राइस अगर थोड़ा सेल ऑफ होता है ये डेली बेसिस पे, क्या ये सेंटर बैंड में सपोर्ट लेता है? वी नीड टू लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज अराउंड द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। यूरो आइनर मंथली पे एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया हुआ है बट एट द इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। सो यूरो आइनर टर्म्स में ये आपका 89.50 से 91 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। आरएसआई ऑन मंथली टाइम्स एट 61.22 एक क्रूशियल एरिया है। क्या ये यहाँ पे 60 के आसपास रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है या यहीं से फर्दर ऊपर की तरफ जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा। बट प्राइस एक्शन वाइज ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको इतना easily breakout नहीं करना चाहिए। weekly पे एक bullishness आ चुका है and RSI at 65.26, so price action by dips के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा and whether the resistance zone जो हमने discuss किया है उसको breakout करता है या नहीं। अब और daily time frame में अगर देखेंगे जो immediate resistance zone है वहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल ऑल्सो आउटसाइड इनसाइड बोलिंजर बैंड सेटअप बन रहा है। दैट बीइंग द केस यूरो आयनर में मूव टुवर्ड्स 88.00 से 88.40 की तरफ, करेंटली 89.08, सो अनदर 60 पिप्स से 100 पिप्स का एक डाउनवर्ड मूवमेंट हम इंट्राडे पर्पस में देख सकते हैं। उसके बाद ये सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड में क्या ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाता है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर येन वीकली जो क्लोज दिया है 132.78, मंथली एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है बट फेब्रुवरी मंथ का एक जबरदस्त बुलिश कैंडल था जो कैंडल आपका सपोर्ट जोन पे था। यानी डॉलर येन को अगर नीचे आना है तो ये जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे जाना पड़ेगा। कौन सा नीचे?
126.5070 जोन के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। ऑल्सो RSI जो है मंथली पे, इट सीम्स इट इज टेकिंग ए रेंज शिफ्ट, दैट मीन द केस मंथली टाइम फ्रेम पे ऑन ए बिगर नोट सेल अपटिक्स हो सकता है, बट वीकली पे आप देख रहे हो टेकिंग सपोर्ट एट 40, दैट मीन द केस बाय डिप्स में बी कंसीडर्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम। सो एक कॉन्फ्यूजन सा है, मंथली पे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे सेल अपटिक्स, वीकली पे बाय डिप्स का एक प्रपोजिशन से कहां तक हम देख सकते हैं, टूवर्ड्स 136 तक बाय डिप्स ऑन वीकली टाइम फ्रेम पे हम कंसीडर कर सकते हैं। डेली पे यहां पे एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशंस बनाने के बाद आपका 24 मार्च को एक पिन बार बनाया है, उसके बाद ऊपर गया है, नाउ एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है ऑन सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। व्हाट इट सिग्निफाइज, ये जो इन्वर्टेड पिन बार एक खतरनाक चीज है। डेली टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड पिन बार के लो के नीचे एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 130.50 की तरफ। विसावी ये इन्वर्टेड पिन बार के ऊपर अगर आवरली बेसिस पे सस्टेन कर जाता है, इन सच ए केस प्राइस एक्शन में शार्पली मूव टूवर्ड्स 135.50। JPY INR मंथली पे एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, बट इट्स सम सॉर्ट ऑफ स्पिनिंग टॉप, जहां पे अपसाइड एज वेल एज द डाउन साइड दोनों तरफ प्राइस एक्शन रिजेक्शन हो रहा है, बट RSI इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट। इसका मतलब क्या है, देर आर पॉसिबिलिटीज की इट विल इट मे मूव टूवर्ड्स 60, करेंटली एट 48.56। सो एक रेंज बन गया नीचे की तरफ 59.50 एंड ऊपर की तरफ 64, इसके बीच में ही थोड़ा टाइम पास करना चाहिए बिफोर इट ब्रेक्स आउट, ऑन व्हिच डायरेक्शन वी नीड टू चेक, क्या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे येन INR जो है आपका रेंज शिफ्ट कर रहा है, टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60, दैट बीइंग द केस वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा सेल अपटिक्स बन सकता है, और डेली टाइम फ्रेम पे इसका ठीक उल्टा। क्या उल्टा है, आप देखो जो लास्ट फ्राइडे वाला कैंडल है एक पिन बार है, पिन बार एट द सेंटर बैंड, व्हाट इट सिग्निफाइज, इसके हाई के ऊपर थोड़ा बाई हो सकता है, बट ये पिन बार के लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ देख सकते हैं। सो दैट बीइंग द केस आप बोलोगे तीन टाइप का येन INR पे व्यू दे रहा है, व्हाट इज दिस, यूके ऑयल आपका जो मंथली कैंडल है एक इनडिसिसिव कैंडल है, उसका लोकेशन भी इतना ग्रेट नहीं है, एंड RSI टर्म्स में भी एक साइडवेज दिखा रहा है, वीकली पे एक अच्छा खासा ऊपर गया है, इसको अगर और भी ज्यादा ऊपर जाना है तो इस जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। ऑल्सो आप अगर RSI के लिए देखोगे इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 60, सो जब भी 60 के पास टेकिंग सपोर्ट एट 40, जब भी 40 के आसपास आएगा तो हम यहाँ पे बाई करने का प्रयास कर सकते हैं। ये जो डेली है, डेली आपका इमीडिएट जो 79.50 उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया है, RSI टर्म्स में और भी रूम है ऊपर जाने के लिए, दैट बीइंग द केस आपका 83 एंड 87 के तरफ एक जाने का प्रयास हो सकता है। ये कब होगा, जब डॉलर कैंडी इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा, इन सच ए केस यूके ऑयल में एक अच्छा खासा अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। US 10-year ट्रेजरी पे मंथली कैंडल पे आप देखोगे टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका ये जो करंट मंथ का कैंडल है आपका प्रीवियस 5 महीने के एक्टिविटीज को पूरा का पूरा निगेट कर चुका है,
आप सितंबर में सुपर बुलिश कैंडल था, अक्टूबर में एक मॉडरेटली बुलिश कैंडल था, देन बियरिश, देन बुलिश, देन बियरिश, देन बुलिश, नाउ बियरिश कैंडल, दैट मीन द केस। जैसे ही इस रेंज के नीचे आना चालू करेगा, 3.30 के नीचे, एक फर्दर सॉफ्टनेस हम यूएस ट्रेजरी में देख सकते हैं। यहाँ पे ये आइसक्रीम की तरह पिघलना चालू कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में ये आपका अभी करेंटली सपोर्ट लेवल पे है, जैसे ऊपर के तरफ दैट इज 3.63 के तरफ अगर जाता है तो सेल कर सकते हैं। यूएस टू ईयर ट्रेजरी में मंथली कैंडल जो आप देखोगे एक सुपर बियरिश कैंडल है, एनगल्फिंग प्रीवियस 5 months एक्टिविटी, दैट बीइंग द केस इसके लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इन दैट केस जैसे इसके लो के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोज देना चालू करेगा, RSI मंथली जो होगा वो नीचे बिलो 60 आना चालू कर देगा। वीकली पे एज ऑफ नाउ इट टुक सपोर्ट एट 60, इमीडिएटली जो है आपका रेजिस्टेंस सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड है, सो इसके ऊपर 4.33 के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। एंड आने वाले दिनों में ये जो 20th मार्च का वीकली कैंडल का लो है दैट इज 3.55, उसके लो के नीचे जैसे ही क्लोज देना चालू करेगा वीकली बेसिस पे, एक अच्छा खासा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो देखने वाला चीज है द डिफरेंस बिटवीन यूएस 10 ईयर एंड 2 ईयर, द डिफरेंस बिटवीन द टू अभी है 55 बेसिस पॉइंट्स का, और 56 बेसिस पॉइंट्स का। पहले जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च में ये मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स था, अभी ये सॉफ्ट हो रहा है, और जैसे ही 2 ईयर ट्रेजरी 10 ईयर ट्रेजरी के नीचे आ जाएगा तो इन्वर्शन कर्व है वो रेगुलराइज होना चालू करेगा एंड मार्केट विल कम बैक टू नॉर्मल। सो करेंटली करेंसी मंथली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।